देखिए, माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मुजफ्फर नाम के अपराधी, जो कि गौ तस्कर अपराधी है, उसकी 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके अलावा अतीक अहमद गैंग, जो कि 227 के नाम से वो गैंग रजिस्टर्ड है, इंटर स्टेट गैंग है, 227 के नाम से दर्ज है, उसके खिलाफ और उसके सभी जो गैंग मेंबरान हैं उन सभी के खिलाफ पूरी पड़ताल करके, गहराई से छानबीन करके कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की योजना भी बनाई गई है। इसी अनुक्रम में पीडीए के द्वारा तमाम ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, ऐसे निर्माण कार्य को चिन्हित किया गया है, ऐसी प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया है जो अवैध साबित हुई हैं, और उनका जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में पीडीए के द्वारा तहरीर दी गई थी और उसमें अतीक अहमद और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा थाना धूमनगंज में दर्ज किया गया है। इसके अलावा 4 और मुकदमे भी अतीक अहमद गैंग से संबंधित और अन्य अवैध प्लॉटिंग करने वाले गैंग से संबंधित दर्ज किए गए हैं। इन सभी मुकदमों में गहराई से विवेचना की जाएगी, उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश में एक एक बिंदु पर पड़ताल करते हुए निष्पक्षतापूर्वक और गुणवत्तापूर्वक इसमें तफ्तीश की जाएगी, कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी दल बल या संगठन या माफिया से संबंधित क्यों ना हो। सर, अभी जो हाल में कल परसों में आतिक वाली FIR हुई है पीडीए की तरफ से, उसमें आरोप क्या है सर कि उसमें किस वो तरह से? डिटेल्स आपको FIR की कॉपी है उसको मिल जाएगी। उसमें 447 एंड 448 IPC के तहत क्राइम नंबर 307 थाना धूमनगंज दर्ज हुआ है। इसमें जो भी आरोप हैं विवेचना के दौरान उनकी पे गहराई से पड़ताल होगी और धाराओं की बढ़ोतरी भी हो सकती है। आरोप गलत होंगे तो मुकदमा उसी हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कतई किसी भी माफिया को, किसी भी अपराधी को, किसी भी अवैध प्लॉटिंग करने वाले को कतई कहीं से कोई रियायत नहीं है। कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। वो